पुलिस के रडार पर आया पत्रकार बनकर वसूली करने वाला अजहर नाम का युवक। अवैध निर्माणों पर जाकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नाम पर धमकाकर करता था वसूली। एमडीए का डर दिखाकर अर्जित की करोड़ों की संपत्ति। अवैध निर्माण के नाम पर अवर अभियंताओं से भी करता था वसूली। शिकायत के लिए आईजीआरएस का लेता था सहारा। एमडीए के अवर अभियंता की शिकायत पर किया गया मुकदमा दर्ज। कई निर्माणकर्ताओं से रंगदारी मांगने का आरोप। पत्रकार बनकर अवर अभियंताओं से करता था वसूली। कटघर थाने में दर्ज हुआ है आरोपियों पर मुकदमा। जल्द ही और भी कई वसूली माफियाओं पर होगी कार्यवाही। एमडीए रख रहा है ऐसे लोगों पर पैनी नजर। सर, विकास प्राधिकरण की तरफ से एक युवक के खिलाफ एफआईआर कराई गई नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ, आखिर क्यों एफआईआर करानी पड़ी आप लोगों को? देखिए, कुछ समय पहले जब हम लोग प्राधिकरण में प्रवर्तन के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे, तो उसके पहले जो है कई सारे सूचनाएं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि कुछ जगहों पर अवैध निर्माण होने की सूचना मिली थी। तो इस संबंध में जब जो है क्षेत्रीय कलेक्टरियों से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ जो है छद्म पत्रकार बनकर के कुछ लोग वहाँ पर जो है आम जनता को तंग कर रहे हैं और अवैध वसूली का कार्य कर रहे हैं, जिसमें जो है वो प्राधिकरण का नाम भी लगाते हैं। तो हम लोगों ने जब कड़ाई से पूछताछ की अपने कर्मचारियों से फील्ड के, तो उनके द्वारा भी ये बताया गया, कुछ लोगों का नाम बताया गया। तो मैंने तत्काल जो है करीब 20-25 दिन पहले आदेश दिया था कि तत्काल जाकर के इसमें जो है एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो अभी बीच में फॉलोअप लिया गया तो ये पता लगा कि एफआईआर के लिए तहरीर तो दे दी गई थी, परंतु उसमें जो है अभी तक तो प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई थी। तो अभी 2 दिन पहले फिर मैंने हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ वार्ता की, तो उनके इंटरवेंशन पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें एक अजहर नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताता है, उसके अलावा उसका एक सहयोगी है। तो इसके संबंध में एफआईआर हमारे जो है जो क्षेत्रीय और अभियंता है उनके द्वारा दर्ज कराई गई है। इसके अलावा 3-4 लोगों की और सूचना मिली है जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं। तो मैं एक तो जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है लोगों के झांसे में बिल्कुल ना आएं। अब ओबी पास सिस्टम के माध्यम से जो है प्राधिकरण बहुत तेजी से नक्शे भी पास करता है और आपको जो है किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर के अवैध निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह के लोग इतने भी पाए जाएंगे, उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, और अगर जो है आवश्यकता पड़ेगी तो चिन्हांकन करते हुए उनके जो प्रतिष्ठान है उनके विरुद्ध भी जो है हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई सेपरेटली करेंगे। सर, जो अजहर नाम का युवक आप बता रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है उसने एक ऑफिस खोला था, कुछ कर्मचारी रखे थे और कुछ प्राधिकरण के कागजात भी उसके पास रहते थे, नोटिस बुक जो आप कहते हैं, इस तरह की तो मेरी जानकारी में बात नहीं आई है। लेकिन जो तथ्य थे उसके संबंध में जो है तहरीर में सारी बातें लिख दी गई हैं, उसकी अब जांच जो है पुलिस के द्वारा की गई और जो तथ्य निकल के आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम तो कार्रवाई करेंगे। सर, क्या चेतावनी देंगे इस तरह की जो हरकतें पत्रकार बन के लोग कर रहे हैं? मैं तो पत्रकार साथियों से भी कह रहा हूँ कि आपके मध्य भी अगर जो है कोई इस प्रकार के कार्य कर रहा है तो आप भी जो है आगे आकर के हम लोगों को बताएं। इससे न केवल एक तरफ जो है अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है, जिससे कि प्राधिकरण की जो नियोजित विकास की धारणा है उसको जो है नुकसान पहुंचता है, वहीं जो है पत्रकारिता जैसे जो एक महत्वपूर्ण पेशे को जो कि एक जो है आम जनता की आवाज़ उठाने का कार्य करता है उसको भी जो है कुठाराघात पहुंचता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हांकन करके इनके विरुद्ध अगर एक बार कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है ये दोनों चीज़ें जो है इससे हमें निजात मिल जाएगी।